नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम आए हैं तिलक नगर पश्चिम दिल्ली के कृष्णापुरी इलाके में। यहां मैं आपको दिखाने जा रहा हूं 103 गज का अपर ग्राउंड फ्लोर विद कार पार्किंग, और इसे लेने के लिए आपको किसी को कोई ब्रोकरेज पे नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे कस्टमर लॉयल्टी बेनिफिट मॉडल पे है, जो कि मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूं। ये है कृष्णापुरी तिलक नगर में 103 गज का अपर ग्राउंड फ्लोर विद कार पार्किंग। यहां आप देख रहे हैं नीचे पार्किंग, उसके ऊपर अपर ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, फिर थर्ड फ्लोर बना हुआ है, और सामने गली में भी प्रॉपर रास्ता है आने जाने के लिए, बहुत कंजेस्टेड भी नहीं है। और हमारे साथ नवदीप सिंह जी, जो इस फ्लैट के ऑनर हैं और हमारे पुराने क्लाइंट हैं, ये हमारे साथ हैं और इस फ्लैट को दिखा रहे हैं। ये यहाँ की पार्किंग स्पेस, हालांकि चार फ्लैट्स के अकॉर्डिंग ये जगह काफी बड़ी है। अगर आपके पास एक से ज्यादा गाड़ियां हैं तो भी आप यहां पार्क कर सकते हैं, या एक्स्ट्रा टू व्हीलर है तो भी आपको पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इतनी बड़ी जगह है कि छोटा मोटा गेट टुगेदर भी करना हो या बर्थडे पार्टी करनी है तो यहां हो सकता है। और फर्श पे सॉलिड ग्रेनाइट मार्बल। नवदीप जी के चाचा जी और इनके पिताजी ने इस घर को खुद बनाया था, इसलिए आप ये देख रहे हैं कि कहीं भी कोई क्रैक्स नहीं है या मार्बल प्रॉपरली स्ट्रांग है, और सीढ़ियों पे भी व्हाइट मार्बल लगा हुआ है सॉलिड आयरन रेलिंग के साथ। मार्बल की स्ट्रेंथ 1 इंच से ज्यादा मोटी है। आज के समय में इतना हैवी क्वालिटी का मार्बल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये है इस घर के एंट्रेंस सॉलिड डोर के साथ। हम घर में एंटर करते हैं। बहुत ही मन से, बहुत खूबसूरती से घर को बनाया गया है। और प्रॉपर सागवान के दरवाजे, पल्ले, चौखट का इस्तेमाल किया गया है ताकि घर लॉन्ग लाइफ रहे। और फर्श पे सॉलिड व्हाइट मार्बल। इसके साथ ये आपका ड्राइंग रूम 16x13 का ये ड्राइंग रूम है। इसमें फर्श पे व्हाइट मार्बल, पूरे घर पे व्हाइट मार्बल है, और एलईडी लाइट्स, ब्रांडेड फैन, फैंसी लाइट्स, ये सब यहां लगाकर दे रहे हैं। और वेंटिलेशन के लिए ये बालकनी, वेट पॉइंट भी यहां है, आप अपनी वॉशिंग मशीन भी लगा सकते हैं, कपड़े सुखाने का भी प्रॉपर अरेंजमेंट है। और इसके साथ ये आपका मॉड्यूलर किचन। किचन में प्रॉपर वुडवर्क हुआ पड़ा है, लोअर कैबिनेट्स, अपर कैबिनेट्स सब यहां बनाई गई हैं। गीजर के लिए भी पॉइंट है, माइक्रोवेव रखने के लिए, और किचन स्लैब के ये हॉब के लिए प्रॉपर स्पेस है। यहां पे दीवारों पे बहुत अच्छी क्वालिटी की टाइल लगाई गई है। ये किसी लोकल बिल्डर का बनाया हुआ नहीं है, नवदीप जी के पिताजी ने और उनके चाचा जी ने मिलके इसे खुद बनाया था, इसलिए अभी आप देख रहे हैं कि कहीं कोई दरार नहीं आई। ये फैंसी लाइट्स एज इट इज लगी रहेंगी। ये कॉमन वॉशरूम,
वॉशरूम में फर्स्ट पेंटेड के टाइल्स और दीवारों पे फैंसी टाइल्स हैं, गीजर पॉइंट, फ्रेशियर फैन, ब्रांडेड फिटिंग्स, और अब इसके साथ हम बढ़ते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये बेडरूम बहुत ही बेहतरीन तरीके से चौरस बनाया गया है, 11 बाय 11 का ये बेडरूम है। इसमें आपको लाइट्स और पंखे लगा के दिए जा रहे हैं, साथ में शॉफ्ट विंडो भी है। और इसके साथ अब हम बढ़ते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। ये है इस फ्लैट का मास्टर बेडरूम। सोलह बाय बारह साइज काफी अच्छा हेल्दी साइज है, ये मास्टर बेडरूम है। जो दिया एज इट इज ही लगा रहेगा सब कुछ। मीठा पानी आता है, मोटर भी अलग अलग लगी है, टंकियां भी अलग है सबकी। और इसके साथ ये अटैच मास्टर वॉशरूम, फ्रेशियर फैन, विंडो, गीजर के लिए पॉइंट है, शॉवर सेट, ब्रांडेड फिटिंग्स के साथ। हालांकि ये परिवार अभी यहां रह नहीं रहा, इस वजह से अभी थोड़ा सा इसे अपग्रेड किए जाने की जरूरत है। और ये इसकी बैक साइड, ये भी बालकनी लगभग 4.25 फुट की है। इसके साथ वॉशिंग मशीन लगाने के वेट पॉइंट, सिक्योरिटी के लिए प्रॉपर या लोहे का जाल लगाया गया है ताकि बिल्लियां, बंदर या कुछ गलत लोग यहां उसका फायदा न उठा सके। अगर आप हमारे लॉयल कस्टमर हैं तो आप हमें अपने काम के लिए कभी भी किसी प्रॉपर्टी को रेंट पे देने या रीसेल करने के लिए सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप इसे लाइक करें। अगर आप प्रॉपर्टी लेलेट की सहायता करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें। और हमें ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करने के लिए प्लीज आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।